इलाही ये सिलसिले अज़ार नु अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमा, ज़ैनुल आबिदीन की जिंदगी दराज फरमा, इस नगरी नु इन लोगों नु ये तमाम दोस्तान ने मोहम्मद वाले मोहम्मद ने जिन्हें गर्मी की परवाह नहीं की, मेरा मालिक खालिक जिक्र की जीनत बन के मौजूद है, मेरा अल्लाह अपनी इज्जत के वास्ते इस गर्मी में इस मौसम में जितने अज़ादार जितने फिदाया ने विनायत अमीरुल मोमिनीन जितने कदम चल के आए, मेरा मालिक अपनी शान के वास्ते जो मरीज आए ने शिफा अता इलाही आमीन। मेरे मालिक खालिक जो मरीजों की शिफा वास्ते आए ने उन्होंने मरीजों की सेहत खुली अता फरमा, जो बे औलाद आए नेक नरीना सहले औलाद अता फरमा, जिन्हें औलाद अता हुई नेक और सहले फरमा, जिन्हें बच्चे इम्तिहान दे रहे मेरा अल्लाह अपनी इज्जत वास्ते उन्होंने सुरखरू फरमा कामयाबी अता फरमा, जिन्हें इल्म तो सरफराज हो चुके मेरा अल्लाह जिस मकाम बैठे खलोते हुए बहुत बड़ी दुआ देकर जा रहे हैं, सब शिरकत करना। मेरा अल्लाह मौत के हमले तो पहले रोजाए शबीर की ज़ियारत नसीब, मेरा अल्लाह अपनी इज्जत वास्ते आखिरी हिचकी तो पहले पाक मुसाफर शाम सैयदा आलिया सलामुल्लाह अलैहा का सलाम नसीब फरमा, 14 का सलाम नसीब फरमा, नांदे हरमा की हिफाजत फरमा, नांदे हुक्मदारा की हिफाजत फरमा, हक कबूल वाला फरमा, अलीयुन वलीयुल्लाह कबूल वाला फरमा। अव्वल आखिर दुआ मेरा अल्लाह अपनी अजमत वास्ते इमामे बरहक दा दीदार नसीब फरमा, मेरा मालिक खालिक ज़िक्र दा सवाब जुमला मरहूमीन दे नामे अमाल दर्ज फरमा, माशाअल्लाहु ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अलीयुल अज़ीम, बिरहमतिका या अर्रहमर रहीम, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुआ की कबूलियत वास्ते एक सलवात मोहम्मद अपने अपने पुराए दे बेहतरीन अजल वास्ते एक सलवात बारहवें आका दी इजाजत है माशाअल्लाह सब तो पहले भी दुआ दी थी, फिर दिल बने कि फिर तुम दुआ दे, मौसम और गर्मी की हिद्दत और शिद्दत कोई भी इम्तिहान आए तो कभी भी अली आले पीछे हटते नजर नहीं, इन कर्म में कोई किसी कारण नहीं आया बैठा, ना ही कोई किसी की ऐसी हैसियत है तो फलां जाकिर वास्ते तो फलां मौली वास्ते मैं गया नहीं, ये गर्मी दस रही है इतने सिर्फ इश्क जो मेहरबानी, ये बहुत बड़ा जज्बा है मेरी कौम का भेजने का, बाकी किसी मकाम पे मंजर देखने को मिलते ही नहीं, माशाअल्लाह महफिल होंगे जिक्र होंगे, लेकिन ये कर्म है खाले कलम ये लगता और ये मौजदा भी है उस रहमान का कि जिमें जिमें जिक्र बढ़ता पे है
ये तो सुना नाले भी बच गए मिंबर उते दोहराया बार बार सा कि हुसैन अलैहि सलाम से किसी हिज गिरोह का मुर्शिद नहीं फिर मालूम होया बंदे मजले से चा के अपने आवन का सबूत नहीं देंगे अपने इंसान होने का सबूत देंगे कोई पंजाबी नहीं देने माशाल्लाह इन्हें हौली हौली दो चार चलन करता बड़े मुतमिन हो सुरदेण कोई दुआ की डिमांड है तारीफ की है बाकी बिल्कुल माशाल्लाह गर्मी है लेकिन इंज भी नहीं गर्मी लेकिन जिम्मे राशिया सिरा तो इतने साफ है निकलते मखलूक दे और बंद मार्फत ही नहीं बंद समझ आए कि 45 डिग्री से सैलसीयस से गर्मी हो गए फिर पानी भी सामने कोई सबीले थे नहीं बाहर ही होनी है हो सकता है कोई ऐसे वक्ता ने जड़े सुबह तो बैठे अजे तई बैठे ने लंगर पानी वास्ते भी नहीं उठे तो ये इशू बोल रहे हैं तो मैं इस अजीम मजमे में मैं गुनाहगार थोड़े नुमाइंदा होने की हैसीयत के नाल राजी तो रब नूं करना है ना कि बंदे नूं करना है राजी करना है रब नूं चौथा राजी ते रब राजी तो मैं आखना चाहना कि अल्लाह का एक करम है साड़ी जात नफ तब्दील करना एक उसका फजल है साड़ी जात और फजल ही मंगना चाहिए अल्लाह की बारगाह विच फजल मंगना चाहिए अदला मत आता थोड़ा भारा हो जाता है फजल इस ढेर सारिया गलतियां माफ हो जाती बल्कि मैं तो फजल इच भी पड़े है भाई कोई एक गल उस करीम मुझे पसंद आ गई है ना गुनागार भी उस हुक्म चा दिता है इस दिन सारिया जितनिया भी बदिया वो नेकिया भी तब्दील कर दो जितनिया देखिए इंसान को एक किवें हो सकता है ये उसके फजल से हो सकता है जद वो करम करे जद उसका फजल हो इतना मैं इतने सहारा लेना संतान ला रफीन के कलाम सुनया तो बड़ी बार ही होना है लेकिन मैं जवानों नखेड़ा हो जासी भाई ये फकर किस नहज पे बोल रहे हैं आदल और जब फजल की गल आई तो सुल्तान आरिफीन ने की खूबसूरत गल की थी है आदल करे ना अल्लाह की जिंदगी मैं बड़ा मुतमिन हो के बड़ा लुत्फ आ रहा गल करने का इस मजमे में फर्ज नहीं मंगना है संत मारिफत से दुआ ना हो सकी मारिफत दुआ ना हो सकी दुआ तक प्रोटोकॉल ही असी पूरा नहीं कर सके रात को अल्लाह के नबूए ते जाना पौंदा है 30-40 साल हो गए झुकद अजे जबान में असर पता है मालूम होया किदाई ना किदाई कोई कमी रह गई है इस वजह तो जो मामला बिल्कुल 100% ठीक नहीं हो रहा तो जवाब उसके फजल को याद करो जेड़ा अल्लाह ने फजल आदल और फजल का सुल्तान रफीन ने वंड के में की जो ना फरमाया आदल करे ता थर थर कमेन उसी तो मैं नहीं थोड़ी सारी गल ही नहीं आदल करे ता थर थर कमेन उचिया शाना वाले हूँ फजल करे ता बख्शे जावें मैं वर्गे
मोकाले हूं तो सारे पढ़ते ना जन्नत लगने की सौरे ते की सारे हैदरी मां में हाथ अलम करके नारे हैदरी नहीं मारते बैसाइया हाल है तेरे चौदह हाथी तो फिर कदर कि कम हो सकती है अली इब्ने अबी तालिब अलैहि सलाम जैसा इमाम होवे तो फिर बदबख्ती होवे मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहि सलातो सलाम दी आदल और फजल की एक मिसाल सुल्तान अल-आरिफीन ने दी थी एक इस मजमे च मैं भी अर्ज कर देना एक होंगे आदल एक होंगे फजल आदल 100 रुपया मजदूरी बनती 100 देना ये आदल 100 देना ये आदल 100 मुकी हो 90 देना ये जुल्म है इस जी पिछली मंजिल आती है जुल्म की मंजिल आती है जब इंसान इसको कर रहा होता है निकलता है बुलंदी पे आता है याद रखा है 100 मजदूरी मुकी हुई है तो बंदे 200 दे देता है अगर रुके होया 100 है
100 रुपया नहीं दे सकता, फजल नहीं कर सकता, तो अकल जरूर कर। फजल और अदल च तो तेरी मेरी जिंदगी का सारा इम्तिहान है। आओ जरा उसके अकल और फजल की झलक की थाई तुहाडे ते विखावा। अल्लाह ने तेरा मेरा शुमार दूर हो जाने, थोड़ी बाली को गर्मी रह भी गई है तो दूर हो जाने, चेहरे खिल जाने ने जुमले ते। अल्लाह ने तेरा मेरा शुमार अपने महबूब की उम्मत च रखिया, उसका अदल है, उसन अली का शिया बनाया, ए उसका फजल है। नाम हो अली का शिया, दुनिया का निशान आई उस किसे दी सोच आई, किसे दे इरादे बेच आई। मौले मुतबियान दी, मौले मुतबियान दी औरतों की तरफ एलसीडी नहीं चल रही, चलो पहले आवाज पर पहुंच रही, एलसीडी ने चलना तो जरूरी है, किसे भी ना भी चले एलसीडी तक मसला की एलसीडी ना चल रहा। मजहब आले मोहम्मद के मुताबिक किसी भी गैर महरम औरत का गैर महरम औरत को देखना हराम है। अगर इमाम हुसैन अलैहि सलाम की कचारी होर कुर्ब न जा सकते तो हुसैन इब्ने अली तो दूर ना हुए आए, क्योंकि निजात वास्ते दामन इमाम हुसैन अलैहि सलाम के अगे फैला है। दुनिया पता ही नहीं, तुम पता ही नहीं जवानों के द्वारा इतने किड़ा बड़ा फजल हो चुके हैं, रब का पहले ही हो चुके हैं। साल 2021 में पिया जमद है, निजात का फैसला मोहम्मद मक्के बह के कर निजात तुहाडी तां फैसले तुहाडी तुहाडी निजात दा जिम्मा किस किस चाहे
ਜਦੋਂ ਸ਼ੀਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੈਰੋਕਾਰ ਦੇ ਫਜ਼ਾਇਲ ਅਖਤਾਂ ਆਇਮੇ ਤਹਿਰੀਰ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਭ ਨਾ ਖਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਆਗਾਹ ਨਹੀਂ कबूल हो सौदे की कभी गल बात हो ही नहीं मारन आले भी इस वजह से मारे भी सौदे से ना मनना तो है नहीं जब बंदे आके तेरे इमाम के सामने आके आख्या मौला मैं गरीब हाँ मौला को दुआ फरमाओ रिस्क के इजाफे वास्ते सरकार को मैं रिस्क बता देने ये जो सामने पहाड़ है ये अगर मैं तेन सोने का बना देव सारे वास्ते मैसेज भाईओ ए सोने का पहाड़ बना दे मां सोना तू रख ले वो जड़ी मेरे दादे अली दी विलायत है ना वो मैं दे दे हाथ बन के पैदा मौला ये तो पहाड़ है ना जब सोने का हो जावे ना मैं विलायत दी वाह भी ना देवा सादिक फरमाया हजे भी गरीब है यार जिसको गरीब है इमाम हो तके चार घट भी हो गए तक होना है मिलके हैदरी जवानी के कवायल के कदम संभलना मकाम से रहना अपने मनसब और मकाम को पहचानना अपनी कौम को वेखना अपनी नेशन को वेखना अपने मुल्क की सलामती वेखना खानदान की इज्जत वेखना यह मामला है कौन संस्था में ऐसे बंदे मिल जाएंगे जेड़े दावेदार हो सर मोहब्बत है लेकिन गुनाह भी कजा नहीं करते जेड़े पास हो कोई उन्होंने किसे पास हो कुछ है नजर आई झूठ है फसाद है फ्रॉड है धोखा है किसी का हक खाना है हराम खाना है रिश्वत लेनी देनी है ये मामला हो रहे हैं साढ़े लिख भाई हो अच्छा फिर जो ले रहे हैं कोई दाल वास्ते तुम कोई लफ्ज आखिर ही तक भी नहीं अपना जितना पढ़ना है थोड़ी तवज्जो ही मेरे वास्ते सारा कुछ है जवानों ले रहे साडे माशरे दे अंदर लोग हराम हलाल की तरह ले रहे हैं ठीक हो के यानी उस सोसाइटी का हिस्सा बन चुके हैं रिज़्क हराम और बंदे अंदर असल पता नहीं निकलता भी खाली चोई में जोड़ी बना होवे औलाद ना फरमान निकले अगर औलाद ना फरमान हो गई है जा दे ना किसी को जाके करोड़ रुपए दे आप औलाद को रिसर्च करा दे जवाब तो याद रखा है सरकार तो मौजूदगी में एक लफ्ज हदिया करना चाहना मालिक तुम सेहत सलामती अता फरमावे बड़ा खूबसूरत लफ्ज हदिया करना चाहना जवानों ज़हन में रखना किसे नाल भी दोस्ती का मैयार कार कोठी बंगला जायदाद ना रखना किसे नाल भी संगत इस वजह तो ना पाना कि उस कोल रिज़्क़ ढेर है
ਉਹ ਤਿਆਰ ਸਾਰੇ ਸ਼ੀਆ ਸੁਨੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੀਰ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਸੁਣਾਵਾਂ ਅਲੀ ਫਰਮਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕੁੱਤੇ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੰਗਣਾ ਹੀ ਤਾਲਾ ਕੁੱਲੇ ਸ਼ੈਨ ਕਦੀਰ ਕੋ ਮੰਗ 14 ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਤੇਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੈ ਹੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨ ਅਲੀ ਦੇ ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ अरबापति बंदे मरते नहीं वेखे लैंडलॉर्ड बंदे जा छोड़ते नहीं वेखे इस आजमाइश अपनी हिदायत के रस्ते क्लियर करना है रोजमर्रा दिन को आसमान रहे है सब समझ नहीं लग रही है सितारे गफलत के लोग हैं सुस्ते लोग हैं सोने का रेट निकलता है हीरे का रेट रोज निकलता है लख का रेट नहीं निकलता तो हीरे भी पै रह जा सकते हैं सोने भी पै रह जा सकते हैं वक्त नहीं मिलेगा जवाब वक्त नहीं मिलेगा जो तो भी मांग उसकी जात उसका फजल मांग उसकी जात उसका हो सकता है अगर आदल दे मयार ते पूरा तोल के निजात लेनी पड़ेगी तो काम औखा हो जाना अगर कोई जाके आके भाई जो साडे जिम्मे लगे हाजिर है जो साडा आदर बनते होते हो ता ही तो दरम्यान रसीला मुहम्मद वाले मुहम्मद नु रखिया जेडे मेरे ताई ना आ सके जानदे ताई आ गए ता भी मैं राजी हां मुझे मालूम मेरे शिया सुनी भाई याद रखिया है शुक्र करो वो आदल नहीं कर रहा वो फजल ही कर रहे हैं उसके फजल नु पहचानो हीरे दी क्वालिटी ये थी जेड़ा कोयले दी कान ने छीरा बनदा है आखरी जुमला मैं मैसेज कुछ हद तक कपड़ा पहुंचा ले कोयले दी कान ने सैकड़ों सालों दे उजरण तो बाद कार्बन दे माइनस प्लस होने दे नाल कोयले दी कान ने छीरा बनदा है ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਮਰਦੋ ਜਦਰ ਨਾਲ ਹੀਰਾ ਬਣਦਾ ਕਿੱਥੇ ਔਰ ਸੈਕੜੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੀਰਾ ਕੋਇਲੇ ਦੀ ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਹੈ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀਰਾ ਵਜੂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਮਾਹਰੇ ਮਾਸ਼ੀਆਤ ਆਖ ਰਹੇ ਮਾਹਰੇ ਮਾਦਨੀਆਤ ਆਖ ਰਹੇ ਕਿ ਸੈਕੜੋਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਕੋਇਲੇ ਦੀ ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀਰਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਮੁੜ ਲੱਭਦਿਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉਸ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਬੰਦਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਜੋ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀਰਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੈਕੜੋਂ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਉਸਦਾ ਅਜਲ ਹੈ ਸਾਰੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਔਰ ਰਿਸਕ ਦੇ ਇਜ਼ਾਫੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲੈਣਾ ਹੈ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਸੈਯਦ ਸੱਜਾਦ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੌਲਾ ਹਾਲਾਤ ਥੋੜੇ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਣ ਕੁਝ ਦੁਆ ਦਿਓ ਮੌਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਪੂਰੀ ਤਵੱਜੋ ਮੌਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਝੋਲੀ ਬਿਠਾ ਉਸਨੇ ਝੋਲੀ ਬਿਠਾਈ ਵਾਕਿਆ ਕਰਬਲਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਯਦ ਸੱਜਾਦ ਨੇ ਮੁੱਠ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਭਰੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨਾ ਨਿਆਜ਼ ਹੁਸੈਨ ਜਦੋਂ ਚਾਈ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਜਦੋਂ ਉਸਦੀ ਝੋਲੀਏ ਸੱਟੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀਰੇ ਬਣ ਗਏ ਮੈਂ ਦਾਰੈਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਆਓ ਮੇਰੇ ਸ਼ੀਆ ਸੁਨੀ ਭਾਈਓ ਇਸ ਦਰ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨੋ ਇਸ ਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗੋ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ੈ ਦੀ ਨਹੀਂ
सैकड़ों साल बाद जाके कोयले की कान हीरा बनता है इतने मुठ भरी तो मिट्टी सटे तो सारे हीरे बन गए फरमाया जेड़ा सुनिया ने वो अदले जेड़ा वेखिया ने वो फजले गुनाह के बावजूद सख्तियां के बावजूद शक्लां तब्दील नहीं हो रही ऐसे भी अमल न कर भी ऐसे अमाल कर करो अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी अगर ऐसे अमाल करो तो बंदे के असली चेहरे जैसा किरदार है उसके उजले ही मुंह है बंदे का देखण वाले पहले नजर सरकार देख रहे हैं निगाह तो ये जो सज्जाद का हज का वाक्य तुम भूल गए सारे जो तो किसी आख्या जी बड़े हाजी है सैयद सज्जाद फरमाए जरा मेरी उंगलियों के दरम्यान में इंसान की शक्ल सूरत है मर्द की जीनत औरत की जीनत किरदार नहीं तो मुल है बाकी तो हर शे फना हो जानी है तेरे असली मुल का नाम तेरे असली किरदार का नाम मोहब्बत है मोहम्मद वाले मोहम्मद इतनी बदती हुई इज्जतदारी के बावजूद एक बंदा रोज मजलिस से आ भी रहा है और किसी ऐसे कदीमी गुनाह को जान भी नहीं छूट रही तब तो बंदा समझे मेरा बुत मजलिस से चाहे मेरी रूह मजलिस से नहीं आ जेड़ा रूह नु हुर करता है उसनु हुसैन आ खर्चा तो वेखो ना असीं ਤਾਂ ਤੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਖਰਚਾ ਗਿਣੋ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਲ ਕਦੀ ਜ਼ਰਾ ਖਰਚਾ ਸੋਚ ਤਾਂ ਸਹੀ ਇਸ ਦੀਨ ਤੇ ਕਦੋਂ ਦਾ ਖੂਨ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਆਦਮ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਦੇ ਬੇਟੇ ਤੋਂ ਬਤਲੋ ਘਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਾ ਰਹੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਔਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਕਿਤਨਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਮੌਲਾ ਕਰੇ ਉਹ ਅਮਨ ਦਾ ਖੈਰ ਦਾ ਇਤਾਅਤ ਦਾ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਵੇ ਵਰਨਾ ਉਸ ਅਲਾਹ ਕੁੱਲੇ ਸ਼ੈਨ ਕਦੀਰ ਦੀ ਕਚਾਰੀ ਦੇ 14 ਦਾ ਹੁੰਦੇ ਤੱਕ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜਵਾਨੋ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 4 ਦਿਨ ਦੀ ਹੈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੋਹਫਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਜਿਸ ਤੋਹਫੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਮੌਜੂਏ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ क्योंकि बेस से ढेर सारा काम करना चाहिए ना इंसान इन सिर तो होते से ना जिसमें इस्लाम की मार्फत हुई थी जिसमें इस्लाम की मार्फत नहीं वो सिर की देना है उजागर किया जाए इस मामले में जिस मामले वास्ते इमाम हुसैन अलैहि सलाम तन तनहार नहीं मुखद्दरा दुश्मत तहारत नाल करबला जंगल जाग डेरा लाया हुसैन हाड़ की गर्मी में सारे पसीने मैं देख रहे दुआ भी करता पाया इमाम हुसैन तुम किसी का मोहताज नहीं कर गर्मी सफर ये कामयाब ही ता है जे इस तो इमाम हुसैन अलैहि सलाम के गुरु विच कीता है ते शैतान को दूर कीता है हर अमल जिस मलाउन नु इबलीस नु ना मुराद लुटाओ खाली लुटाओ हाथ मंगना जावे जो तेरे बेटे चावे या तेरी जिंदगी चावे अल्लाह नु इतमाद च लेना तो सौखी गल है किसी नाल इंसान कोई शराकत कर लवे कोई कारोबार कर लवे उसका इतमाद जितदिया जितदिया भावे इंसान खबर तक पहुंच जावे तो जेड़ा हर जाते हाजिर हो नाजिर ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੀ ਹੈ ਜਵਾਨ ਤੁਸੀਂ ਇਮਾਮ ਜ਼ਮਾਨਾ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਇਤਮਾਦ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਮਮ ਮਾਤ ਵਲਮ ਯਾਰ ਇਸ ਇਮਾਮ ਜ਼ਮਾਨੇ ਫਕਤ ਮਾਤ ਅਮੀਤਨ ਜਾਹਲੀਆ ਮੌਲਾ ਦੀ ਕਚਾਰੀ 100% ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਹਰ ਅਮਲ ਤੇ ਤੇਰੇ ਇਮਾਮ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋਵੇ ਇਮਾਮ ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨੇ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਔਰ ਮੈਂ ਸ਼ਬਾਲ ਵਿੱਚ ਹਦੀਸ ਪੜ੍ਹੀ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ
छठे इमाम को किसे पूछे मौला तुम शिया नाल कितना प्यार है, फरमाया आप अंदाजा कर ले जो साडे शिया दे सिरे च दर्द होवे ना तो जाफर सादिक दे सिरे च भी दर्द होवे। सुबह शाम फोन रोंदा सुन लेना कि बड़ा सुख होंदा जब, लेकिन फोन रोना सुबह शाम रोना कौन सुबह उठ के इमाम नहीं पुकार दे, पुकारन आलियों के सिवा केड़ा टीके रेले जजीरे खिजरा तो मुंह करके आ गए मौला तेरे दादियां दे रुलन दे बड़े अरमान है। क्या जरूरी हो गया भी मजलिस से पहुंचना है ते ता ही अख वसनी इमाम हुसैन अलैहि सलाम दे रहमत ये मजल साजरदारियां जब इंज ना होंदियां लोग किवें रोंदे हैं हुसैन इब्न अली पुत्रां नूं शेरे पावन लगियां मां प्यो रोंदे आ। मैं तारीख च भी वेख्या पढ़िया है उमैया और बनू अब्बास दे दौरे च मोमिन तहखानियां च बह के खूहां च बह के हुसैन जो रोंदे आ। और अगर खबर पहुंच गई है उस दौरे को परचे पुरचे ना होंगे सीधा सिर ना होंगे जुर्म मोहब्बत है हुसैन फिर उस खून दे के उस वसूल की थी जदोजहद की थी गई है इसकी बड़ी मेहनत हुई है जवानों तुम अपना अपना किरदार अदा करने अपनी जिंदगी जो कुछ बेहतर कर सकते हो सिर्फ कौम वास्ते नहीं खानदान वास्ते भी जो कि पाकिस्तान वास्ते भी आने वाली अपनी नस्ल वास्ते की माहौल बना रहे हैं असल की माहौल तैयार कर रहे हैं जवानों। इमाम हुसैन अलैहि सलाम का एको फरमान वो फरमान एक सारी गल है कि तज़किया नफ्स का आगाज अपनी जात से करोगे तो दुनिया खुद ब खुद तब्दील हो जाएगी। तेरे मेरे हिस्से करबला नहीं आई सिफीन नहीं आई बादर खैबर खंदक हुनैन नहीं तेरी ही करबला इत्थे हुसैन का बन जा इत्थे हुसैन इब्ने अली दे नाल हो जाओ काफले क्यों करबला रुके होया हुसैन ते करबला ने तू करबला च उठना है हुसैन मजलूम दा ते सफर मुकेगा नहीं जे तो किस्मत भैन दी जिथे फिरा थक पए हो तू भैना टुर पई हो। मैं यकीन नाल आखर ना अज दुबार उठी सो हर किसी की कोशिश उसी पहले सबील ते जावा मैं पानी पीवा दुआ मंग मैं दुआ मंगवा सारे आमीन रखे इंशाला जे हाड़ की गर्मी किसी भैन का फिरा ना मरी जाए कोई मैसेज की हो जाए वतिक दुआ मंग जे कोई हो जाए तकदीर का पर लगे तो इंशाला भैन के दाई नेड़े वस्ती करीब वस्ती इंशाला वसती होवे उसदी होवे जवान खर्चा भी क्या है ये हो चुकी है इतने मजबूर नहीं है जवानों ये मसाइब एक मजाले में तन बदन दे होए मोहम्मद वाले मोहम्मद का कीमती तरीन खून पानी की तरह बहाया गया है। गर्मी ने हरा के नो बैठे प्यास नो हरा के नो बैठे हुसैन इब्ने शिया सुन्नी सारे आए बैठे हो दुआ मांग साला किसे भैन दे फिराते लुट न पै जा तकदीर दा पर लगे शल नेड़े ही कदे बस दियो गए ओ मैं दा रहन कुर्बान करा भैन दा घर नाल होवे ना ओ ठान दी डिग दी ओ पहुंच जांदी है भावें एक पासो धीयां न पे होवे ते पुत्रा न पे होवे। मेरे सारे मजमे ते सवाल है दूरों आंदी हुई भैन दे भी बंदे भैन सुन लैंदे ते भैन दा घर ही नाल होवे उत्थे पुछण दी लोड़ नहीं होंदी भई ये मरण वाले दी की लगदी भैणा दे भैन दा छोड़ें दे मैं पुछ सकना तूए दे फिर आ दी लाश ती आई है मजबूरी केड़ी आली दी कितना मुश्किल है जवानों तुम्हारे सामने पुत्रा फिरावा वो जवान जेड़े कल तक तुम्हारे करते निगेबान
वो जवान जेडे पूरे 6 महीने कारवां दे नाल नाल जिस हजरत अबुल फजल अब्बास जैसे कबीले अबू जर के जवान कबीले बनी असद से सैन फातिमा बिन असद से मौला अली दे नानके कबीले अबू जर के जवान में कौन होगा वो सामने लाशें लाशें पड़ी कोई औलाद अल्लाह समझे जिनादी यदि औलाद नहीं तो उन्होंने हाय निकल गई है मैं अक्सर आना ये माफत का खेल है थोड़ी हाय निकल जानी जबकि तुम पता नहीं औलाद का दर्द की हो तुझे रखते नहीं ना जो धी नहीं है पुत्र नहीं है अल्लाह कर सी तू शेरे पैसे अली अकबर दे लुटे हुए शेरे अंदर सदका तू रब नु ढेर पसंद हो ना तू वक्त भी तंदी देसी ढेर राजी हो या तेरे ते ना दे राजी हो मासूम फरमा रहे धी देसी मैं तेन दुआ पे देना इस गर्मी में मेरी दुआ दे के अपनी कौम में जा रहा तुसी वसो आबाद हो सो धी दा कदी दिल ना दुखावी धी नु कदी मारी नहीं ये कुछ सख्ती बन भी जावे ना तो धी दे मुंह ते चाट ना मरे आया ओए मैं सदके हो जावा अल्लाह अपने किसे गम में थाए अल्लाह जाने इन अंदर जनाजा किस वेड़े टूटना है हाय हाय ये तो वो रब दा है वो माल है धियां खून ला दे इन अंदर परवरिश ते जान ला दे इन अंदर परते ते काज में सैयद आदि कनीजा नु जीवन सैन फरमाया किसे नु दहलीज पार ही ना करन देते ना आप किसे दी दहलीज पार कर पाक सैयदा नु कनीज दा तोहफा दे इन्हां दे दरवाजे ते बंदे थियां कनीज दा तोहफा दे ना जांदे तो असीं क्यों नहीं दे सकदे असीं भी अपनी औलाद दी परवरिश करके पुत्तर 12वें दे लश्कर दे दिशाए धियां सहन दी कनीजी ते गुलामी वास्ते दिशाए जदों तुहाडी धी हो गई ना 4 साल दी ते मुड़ के तां तुसीं मजदे से चाह के बैठे जवानों पता नहीं असीं होणे या नहीं होणा ते किसे जाकिर तुहाडे सामने आके ना प्यो मरींदा रहा ते धी हाथ भरदी मुड़ तुहानूं पता लग सी धीआं ले क्यों कुरला के रोंदे आए रब कौन सोनी बात हो गई ड्यूटी कबूल करे है मालिक इस घर नो बात रखे ये वेड़ा बात रवे फिर सारी दुआवां दे के मैं जा रहा जिंदान हाड़ दी गर्मी में ये तो वत भी साकान है हनेरा हो जा सी ते लाइटां दा बंदोबस्त पूरे लाइनां विच पंखे लाए हुए ने जितनी हो सकी है मोमना नु हवा लगे ना समझो तो गल ही नहीं समझो तो जिंदगी दा रोमन है इमाम सज्जाद नु फूफियां ते भैणा नाल जिंदान यो दिता ने जिस दी छाती कोई वाह भाई बिस्मिल्लाह पुराना कदीम इबादत का नूह अलैहि सलाम ने शाला बड़ा कम में करो मेरे वीर नूह अलैहि सलाम ने जमाने दी इबादत का हशरात उल अर्ज ने कब्जा कर लिया बिच्छू सांप कीड़े मकौड़े लेकिन जो तो सैयद सज्जाद खूबियां ना आए ना इतने पहले तो नूर महल वे के कौन रूना है सज्जाद ओए मैं सब क्यों इमाम फरमाया मां उम्मती मेहमान नवाजी दे सब मां की फरमाया बाणा मैं ते रोंदा तू सज्जाद औखी सौखी निभ वैसी जिंदान दे इतने मसायब इन जवानों जेड़े जिंदान ने जुल्म होए मोहम्मद वाले मोहम्मद दे इन्होंने ईरान दे वस्ते जेड़े दरोगे आ इन्होंने ला दिते सैयद सज्जाद उत्ते अरबी न तान लाए मता कोई अपना तल्लो खड़ के सैयद सज्जाद नाल मिलदा ना होवे फारस दे ईरान दे ला दिते भी सिवाय यजीद हुक्म दे ना कोई दे आवे ते ना कोई दे जावे ना कोई कैदी नाल मुलाकात करे उन्हें रोज आर्डर मिलता ही इन प्यो पुत्रों सुबह भी मरिया है कोई मैं सदके हो जावा शाम नु भी मरे आए भर गई है गर्मी हाय निकल आई है तेरे जिगर चो अगली सतर भी पढ़ देवा उस हुक्म नामे च लिखे आंदा उस सेले ढेर मरे आए जद मामा छुड़ावण आ जाए ज्यादा मरे आए ज्यादा जुल्म करी आए जद भैणा वेदी पई हो
लिबास जा जाए ना लहन पैर कोई नहीं सिर से पग कोई नहीं तो पवाया ने जिस गरीब की कमर लिबास छोड़िए कोई मैं सदके हुआ यार इसको की मारना है नाले देखना वाह भाई वाह देख तो सही है तो किसी को कुछ नहीं आता जे ना बाजार जे नन मारे है ये तो प्यो पुत्र दुआ बैठे कर दे वो बात मार दे नन सैयद सज्जाद अली दे शिया दी सिर ते किसी कचहरी है किसी परे पंचायत डेरे ते पाना शुरू हो जावे हफ्ते बाद या वो डेरा छड़ते सी या उस डेरे दी दीवारों चो अली अली दी सदा सी अली दे शिया दी सिफत ते बाजी ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਾਲ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਆਪ ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਜਾ ਸੀ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਕਰਕੇ ਨਾ ਅੱਛਾ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੀਆ ਮੌਲਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਲਾਲਪੁਰ ਵਾਲਿਓ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਇਮਾਮ ਹੋਣ ਕੋਈ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਇਬਾਦਤ ਵੇਖੀ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਕਿਆਮ ਤੌਕ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਔਖਾ ਸਜਦਾ ਜ਼ਖਮਿੰ ਤੋਂ ਭੁੱਲਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ ਇਬਾਦਤ ਤਾਂ ਰੁਕਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਇੱਕ ਦੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ ਪੈ ਕੇ ਮੌਲਾ ਸੱਜਾਦ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅੱਜ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਅੱਜ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਅੱਜ ਭੈਣਾਂ ਛੁੜੈਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਸਬੜੇ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਬਸ ਕੁਰਾਨ ਅਗਲੇ ਜੁਮਲੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਪਾੜ ਕੇ ਨਾ ਸੈਯਦ ਸੱਜਾਦ ਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਪਿਆ ਦਿਨ ਤੂੰ ਕਿਹਦਾ ਨੇਕ ਕੈਦੀ ਏ ਓਏ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਦੇ ਸੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬਾਣ ਲੱਗੇ ਆ ਸਾਡੀ ਮਜਲਿਸ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਈ ਏ ਤੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਂਦੀ ਏ ਤੂੰ ਕੌਣ ਏ ਤੇ ਕਿਉਂ ਆਦਾ ਹੈ ਸੁਬੋ ਵੀ ਮਾਰੋ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰੋ ਸਾਰੇ ਗਰਮੀ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਾਏ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਲੀ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਚਾਹਦੀਆਂ ਸਜਾਦ ਫਰਮੈਂਦੇ ਨੇ ਸੰਤਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਜ਼ਹਰਾ ਵਾਹ ਭਾਈ ਵਾਹ ਸਾਡਾ ਹੀ ਜੁਰਮ ਹੈ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਦਾ ਨਾਂ जुल्म नहीं किया पर असी भी बाल बचे लिया साडा भी नौकरी का मसला है सैयद सज्जाद फरमान होया कि हाथ बन के पिया गल सुन दे जवान बड़ा ही रोन है इस इमाम बारगा हल वेंदे ने उस जुमले ते तेरा दिल होने हल सी वो सत बन के आके कहती रोज रात होना एक बीबी है जेड़ी जिंदान दे बाहर रह जाती वाह यार बड़े पुराने असरदार हो रोज रात नु एक बीबी जिंदान दे बाहर रह जाती है तेरे हया तू जिंदरा नहीं मरदे जेकर यजीद नु खबर हो गई तो किसान मरवा दे सैयद सज्जाद ने इस्लाम फरमाया नहीं साड़ी तो कोई बीबी भी ऐसी नहीं जड़ी जिंदान दे बाहर मौला हुण जदों आई ना बीबी बैठी मैं तो पिछे कुछ रातों के बाद कड़ियां हटियां हाथ बन के पिया दे सज्जाद वो बीबी आ गई सहारा लैके जो तो जिंदान का दरवाजा बूर करके दीवार काले बुरके वाली बीबी है एक इशारा करा जिन्हें अजे समझ नहीं आई जिसके बुरके रद लगी हुई है जी रो रो के पैया दिया हायो मेरा भजदे घोड़े दुलाहना लो हुसैन ओए सदकी हो जावा कल वगैरह आके फरमाए कौन है मेरे हुसैन रोन आली फरमाया ज़ैनब सुजान मैं तेरी मां हूं बड़ी छोटी बात है
जिंदान औखा है मगर जिंदान कहना उसको ज्यादा औखा है। मेरे सवाल करो कि मैं कि जिसे जख्मी तफसीरा पुराने डॉक्टर एक रिवायत पढ़ते होते हैं कि सैयद सज्जाद मां के सिर से मसा होने तो पहले घर को छोड़ दे क्योंकि जब मसा कर सैन तो चादर हटानी पड़े तो खुले वाल सज्जाद की गैरत उस वक्त जिंदान गाना मसला नहीं जवान होता लेकिन तकदीर एक ऐसे मोड़ ले आई कि जिंदान के बाजार सारा दिन बैठे रहा पहला वैन भाई माधुरी हो सारा दिन बैठे रहते हैं पहली गल ये कोई लगता नहीं इस गली चो जवानों क्यों ना लगते भाई मत कैदी कुछ मंगता ना हो अल्लाह जो बेनियाज हो यार लेकिन पता नहीं एक ज़ईफ से ज़ईफ़ा नहीं जो रोज इस बाजार च लगते हैं वो ज़ईफ़ थोड़ा दूर जाकर रुकते हैं तो ज़ईफ़ा सैयद सज्जाद को बेथी जाती है पत मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम की बेथी जाती है कुछ बोलना चाहती है बोल नहीं सकती दूसरा दिन तीसरा दिन चौथे दिन उसका ज़ईफ़ शहर इमाम सज्जाद को ऐसी सलाम पतली ना ही शाम कैदी बाकी है कोई मैं सच्चे रखूँगा वरना अल्लाह तो इसका नाम अली रखे है ना हैं जी इमाम सर चाह के देखे है तो इमाम दी अखा बस पई है हाथ बन के प्यार कैदी मैं मारिया तो नहीं भाई सैयद सज्जाद फरमाए ता ही रो पिया जो तू मारिया नहीं वरना शाम में जेड़ा हाथ उठे है वो सज्जाद नु मारिया है कह दिया मेरी ज़ईफ़ा ज़ौजा वो डर को के नहीं आ रही तुहाडे नाल कोई गल करना देखी तारीख जैसा मोड़ भी आया सैयद सज्जाद फरमाए जरा इसनु बुला वो हाय कर के रोवण आयो इशारा किया तीस कदम चाल के ज़ईफ़ा सैयद सज्जाद के सामने आई कह दी सलाम मेरा सलाम कह दी अगर तुम आखो मैं तुहाडे नाल मिट्टी ते बह जावा इमाम सज्जाद फरमाए बिस्मिल्लाह नाल बह गई है गुफ्तगू का आकाश की तस्वीर दे बड़ा ही सोना कुरान पढ़ दे पता नहीं तुम एडा सोना कुरान पढ़े है ना वक्त भी तो मारे है बापू साहब ने जो कुरान पढ़िया ते दीवारा विचो भी दरूद की आवाज आ रही है फिर इन पत्थर मारे तो भाई रश घटे उस तो बाद उस बड़ा पता किया सर पता नहीं लगता इन्हें तो रखिया कड़ी जात है चौथे दिन जो खबर आई है गल मामे सज्जाद नाल कर दी है तो बेदी मोहम्मद बाकर आले पास जड़े पहुंच गए हो हाथ बन के पैया दी कैदी कुरान तो बहुत सोना पढ़ रहे कोई दीन दे मसले भी जानते हैं शाम का कैदी न जानता होवे कौन कितना रोसी कौन कितना मातम कर सी मैं नहीं जानता जवानों पता नहीं कयामत क्यों ना आई हाथ बन के पैया दिए कैदी ते कोई मसले का जवाब देना भी दीन है जो गुलाम खरीदना तो गुलाम बेचना तेरी हाय निकली है सज्जाद ताओ कड़ियां तड़प गया सैयदा दे आखना की चाहनी है ओ मातमियो हाथ बन के पिया दी नाराज न हो मैं तो पुत्र विचेना है सैयदा दे अल्लाह आज गाजी हो गया मेरे इमाम दी रात वध पई सैयदा दे उच्चा नबो लिंदी मां भी नाले वाह भाई वाह भाई वाह मैं सदके हो वाह सैयदा दे नरुआ चाली हवेली चो इको रह गई है बसदा रहे बसदा रहे शाला अपने गम में कदा न रोवे
हाथ जुड़ गए कह दिया वे सही तेरा लाल के दा सुने मजहब मातम जायज निके निके हाथ बन के आते बाबा आती जो मैनू वेच छोड़ शिया बंदे ते मातम लाजे में सैया दादा है वे लाल शाम थक पिए नहीं बाबा लाख बाके रोवन तेरे सिर तुआरा क्यों बात है तेनु वेच छोड़ा बाबा वेच छोड़ जेड़े पैसे ज़ईफा दे वे शाम दे बाजार चो फुफिया दिया चादर लाया आवाज आंदे कितनी दिन हारे हम्मा चादर बगैर हम्मा सीने ते हाथ मार के आखाए भी थी तेरा पर्दा दीवार चादर बगैर नमा है कुर्बानी वेख ली दिया थिया दी सही आख्या दी है किसे दा लगा कुछ नहीं अली वेड़े विच रखिया कुछ नहीं सैयद सजाद रुने एक घन्यू खून दा जमीन ते ठांदा शाम हल्दी आई तुम्हें घबरा गए बुढ़िया चबने करबला हो जानी अगले जुमले त्यादी कह दिया नसीब होवी पुत्र सोना ठे रही सैयदा दे इसनू दिखाई इंदे चाचे अकबर नू वेखे वाह भाई वाह जनरल अकबर ते नाम दी मारफत है आवाज आंदे अरमान मेरे कुआरे मारे गए मैं दरें कुर्बान कर दे वहां रोमन का लफ्ज होंदे जवानो तारे औखी दुआ दिले च रखे एडी गर्मी है हुसैनियत ते गवाही दित्ती ने रो के पिया दिए कह दिया अगर पुत्र वेच चाहा तेरे दुख मुक जावे ना सैयदा ते पुत्र वेचण नाल दुख किवें मुकैंदी रो के आदि वेख त सही तेरा केडा सोहना लाल अजे ते 4 सालां दा है अगर मैं जदेवे सारिया तो पहले इंदे जख्मा दा इलाज करसा अल्लाह जाने कौन मरेंदा रिया छुड़ावा नाला कोई ना जेंदे घर ते गाजी दाला में सजादा दे यार माने जे छुड़ावना हा बाजू कती या जहरा या जहरा या जहरा सैयदा दे करना क्या चाहिए आखरी वैन मातमिया दे वंदे दा के दिया जब दा जख्म खुल वैंदे खुशल देंदी इंदे सेरी चू सफरा ते जिंदाना दिया मिटियां कट दी कह दिया तेरा सोना पोतरे अपने हाथ ना लिबास बनेंदी तेरे पुत्र रूप बनेंदी सुफेद रंग दा मामा मैंदे मथे ते बनदी उन सैयदा मैनु माफी दिवे आए रो के आदि वे कह दिया जदा अरबे गुलाम बन जांदा सैयदा दे बात क्या करे दिया दिए शाम चो एक नाका किराए ते लेंदी आप न चढ़ती तेरे पुत्र नो बहेंदी महार कमर ना चबन दी असी तो में टुर पौंदे सैयदा दे किन वेंदी हुन रो पइए रो किया दी बिस्मिल्ला मदीने मेरा पीर सजा सिर ते मातम दा फरसा सजा दा नाम आया सैयदा दे आप इधरू देनी रो के आदि नहीं मैं कह दी उनका पुत्र जैंदा ना बाके रे सच्चा दी रात वथी है उच्चा बैन कर के आदे जैंदा मुल पाई इयो बाके रे हाए मैं तेरा पी सच्चा दा सैयदा दे रोल पैना
केंदा मोल भाई ये पाक रहे मैं तेरा पीर चोली फैला मोहर लवामा दुआवा दे रो के पैया दिए शहर नु कंडकार क्यों फलाकार आदे क्यों नाराज हो गए हैं रो के पैया दिए पीर कल्ला नहीं ताया भी नाले मातम दा पुरसा दा यादा नाम आए सचाद खून रो क्या दा ताया नहीं जिंदान जुजैना दा आई होई ये खेन नो भर जाया मोहम्मद वाले मोहम्मद से नमस्कार कहा था हम अदा करते रहेंगे और इनके बाद इनके बाद जनाब मुंतजिर मेहदी साहब आफ लाहौर और उनके बाद खतीबुल इमाम मौरिख नाज़िम करबला जनाब मोहम्मद सकरैन घल्लू साहब बारगाह आले मोहम्मद में हाजिरी देंगे पर मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंदर असद बैरो
किसी मोमन का बटुआ है भारी सा, निशानी बता बता के मुझसे हासिल कर सकता है। और चाबियां की मोटरसाइकिल की परेशान करने के साथ खवातीन है, चाबियां भी मिली हो तो मुझे बता दें और बटुए वाला शायद मेरे को निशानी बता के इंशाल्लाह हासिल कर सकता है। मालिक अल्लाह बादशाह हुसैन की इज्जत का सदका मेरे वाले उल इज्जत भाइयों का बहुत ज़्यादा दिख रहे वापस तशरीफ ले आया। मेरे वतन दे सरदारा की मुश्किल मौसम में शुक्री बात है हमारी अंदर तमाम खुतबा के मुताबा फकीर दे अजम सुखन नाली बार का विच कबूल और आलमी ने इतने आदार मरीज है मालिक शिफाए कामिला बच्चा बीमार है मोहम्मद और पास मालिक शिफाए कामिला इतनी चंगी दुआ लगी उतनी छोटी सारे आमीन आखो मौत तो पहले बादशाह हुसैन ने हर मातमी अदादान में मालिक अपने घर का हाथ कर बला मोहल्ला दी जवारी नसीब इलाही आमीन मौत आ जाए मगर अली वाले का हाथ किसे कमीने का मौता हो इलाही आमीन मालिक अल्लाह हजरत वली उल असर सलाम दे रूह में पाकिस्तान और कमाल के बाद मेरे वतन का मेरे इलाके के अदादारा का सबके अदाते बैठ जाना बहुत ही काफी मैं ज्यादा वजह तकलीफ नहीं दे सकता मुनासिब वास्ते कबीले तकलीले नमाजे इश्क करने वास्ते जो मेरे से मियां दे अल्लाह दी निकट मैं तिलावत और यूसुफ की बात से सुन के मैं सुकून की नमाज की पहली रकात अदा कर सकता हूं। अल्लाह के नबी लकब है खलील, नाम है इब्राहिम अलैहिस्सलाम। इबादत छोड़ हो जाती
दोस्त फर्क भी रहे, मुस्तफा सरदार की उम्र सबका दिया जवाब दे, खलील भी दोस्त है हबीब भी दोस्त है। खलील वो दोस्त है जरा अल्लाह नाल दोस्ती की ख्वाहिश करे, हबीब वो है जिससे अल्लाह आशिक हो जाए। क्या करने बाजमात बाजमात सब इबादत एक दफा ही कर लो है दरी। तो
सुबह नाश्ता करवा के रखा के जेड़े अस्पताल वो खुला डॉक्टर को वो बाबा जी नाल लगा वो जवान की उस डेस्क का दी सी दे चुकी उस डॉक्टर ने पैसे ही दे चुके दवाइयां लेके पास से जवा के सरगोधी वाली पास का किराया दे के पास तुरंत तो पहले उसका क्या अच्छा भाई खुदा हाफिज कोई और भी हुक्म हो तुम्हें हाजिर वो बंदा जलालपुर आके हर कहीं को बता दो सी यार लाहौर साडे इलाके दे बंदे बड़े रंदे पर जेड़ा वो बंदा है ना वो फलाह अपने फलाह वो फलाह साडे इलाके दा बंदा मैं उसको चंगा कोई नहीं लगता वो मेरिया सारिया जरूरतां पूरियां करके छेकड़वाता था कोई और ही हुक्म है तो दस मैं हाजिर हाँ हजरत आदम को लेके कयामत तक अल्लाह नु हुसैन तो बाद प्यारा कोई नहीं अल्लाह नबी अजमैंदर या नबी याद रहे बस वाहिद हुसैन है के डिब्बे ते बह के आके हाल में मजीद कुछ और भी हुक्म तो मैं हाजिर पर और हुसैन ने खुदा को बुलाया जमीन पर कैसे यही ख्याल मेरे दिल का चैन लगता है यही ख्याल मेरे दिल का चैन लगता है मैं क्या करूं के यही नूरे ऐन लगता है ओ बुरा ना मान तो ने देखी नोक पे मुझको खुदा लिबासे बशर में हुसैन लगता है नारे हैदरी जुना के फैला है भाई इमाम को दिन लगती इमाम हुसैन सलातुल्लाह सलाम की सलाह खानी है तरह एक बहुत ही कमाल वाला प्यारा था मेरे गाने से मेरे मेहमान अब मैं बात को मजीद ही बात कर सकता हूँ इज्जत आने की देने वाले नबियां आखे हैं पास सिलसिला टूटा नहीं के अजीज ने रुबाई पूरा डेढ़ मिनट गुजर गया मैं फिर जोड़ा तीन बार निकाल अल्लाह आजमाया नबियां भी है नबियां आखे हैं पास मेरा अल्लाह माता कि ना बोल के आखे हैं पास कि ना वैदी अमला ना आखे मेरा अल्लाह माता वाहिद हुसैन से मखलूक और के खालिक को आखे मेरा अल्लाह कुछ और भी है तो मांगो मैं हाजिर गर्मी के तूफान च बाना बड़ी बात फिर भाई जान मजदूर खरीदे की मजलिस मेरी सोनी बात अच्छी बात मेरे बाद मेरे मेहमान मेरे मेहमान में ज्यादा होगा नतीजा भावे टूटी होगी नतीजा फिर मसलन अभी आके पास तो सह आके मेरा नाम लिखो ये मजलिस अल्लाह के बड़ा ही मेरा इशारा कि दोस्त और खलील अल्लाह आजमाइश के ढेर पर शुभ जो आती है आजमाइश का पैमाना है काम का अल्लाह अजर की सुनाई चंद साल की सुनाई ने अल्लाह आजमाइश बताई Right.
उतर बोला इंतजार कर बाबा तुहानू जो अमरे तुसा काम करो यानी दो नबियां दी गुफ्तगु तो साबित होया नबी दा ख्वाब ख्वाब नहीं अल्लाह दा अमर है। अब हमने तो ईद की तकमील वास्ते नबी त्रै चीजा उठाया कि मजलिस दे दस दस करे पानी पीना भी शौकीन नाल पानी पीओ कोई जिंदगी नहीं गर्मी जो आराम नाल पीओ मैं अदादार नाल लिया तो मैं क्या कि जमे खाइयां अदादार नाल लड़न नाल मेरा मिला कि तू पानी पी सो तो मैं तुहाडे हत्थी पैर दस तुहाडा जिवें दिल ले वो इहनां दी तवज्जो होए उस त्रै चीजा नबी मिला एक छुरी एक रस्सी मजलिस का बहुत ही असर है बच्चे किसी बच्चे आखन बेचारे त्रै चीजा क्यों चाहिए हर बच्चा मजलिस सुनने का बच्चा भी दसी छुरी क्यों चाहिए जीबा जीबा वास्ते रस्सी क्यों चाहिए जबी के हाथ पैर बनने वास्ते कपड़ा क्यों चाहिए अखी के पट्टी बनने वास्ते ये त्रै चीजा चाह के दिन नबी अपने हरम आखे पुत्र तैयार कर इस्माइल इमाम हुक्म दिता ने पुत्र तैयार आप फितरत बाबा जी जवाब दे बना लम्मा सुन जिंदगी गुजरगी नसर गुजरगी सतारा साल की उम्र की नौकरी मैं किसी का पता ही नहीं मैं सिर्फ 14 का मजहब जानना 12 इमाम के मजहब मासूम से गलती का जोड़ कोई ये मेरे मजहब की तरबियत है जो मासूम है नौ बिल्ला नौ बिल्ला नौ बिल्ला मासूम गलत भी आनी कर नहीं सकते तुहाडे सामने उन्हें सलाम सिद्धी हम दस नहीं सकते गांधी जो सिद्धी दस दिन तो पिछली हयाती मनता नाल जमे हुए पुत्र ने मां देंदी नहीं छुपा नहीं सकते नहीं दस दिन तो मां सिपा वास्ते बन देंदी नहीं करोड़ा सलाम इब्राहिम अलैहि सलाम से जवाब लकब के दे इब्राहिम का उच्चा बोलो पुत्र खलील खलील का मैंने के दे अल्लाह का दोस्त खलीलुल्लाह अल्लाह का दोस्त मां के पुत्र कितने ले जाने सिर चिक्का करके आते हैं दोस्त को मिलाने छुरी रख ली तो इतनी दवाई लगी तो निशान बन गया तेज आले का निशान भाई जान उदा मनसी जब कुछ हिस्सा जिसका जब तक जिल जिल की बड़ी ढेर सारी जिनसे
जब तक कोई इक्का किता है बेटा कटी नहीं जानी मेरी मां छुरी रख के चलो कोई बात कि आप तैयार हो क्यों को निशान नहीं था क्यों जेल में खाए थे वो जेल कटी गई निशान बच गई अब कितना दबाए नबी छुरी मुझे जेल से कटी गई अगे मासूम बच्चे ना सब करता नहीं थोड़ा जे दबाओ छुरी से होना ना गर्दन कट गई छुरी रोक गई वतन वाले खुद नहीं रुकी बेजान लोहे की जरूरत नहीं हुज्जत के हक में रुक जाए निदाए तौहीद आई कोई है जो मेरा मोहम्मद बचाए अब फिर एक सवाल था जो सी कुछ आज हज की क्लास का जवाब चर्चा की बच्चे कुछ दिन छुरी से मैं इसी गर्दन पे आवाज आई है मोहम्मद बचाओ राज क्या है मोहम्मद मगर अल्लाह इस्माइल के इनाम जबीर ना होने की वजह से नस्ल इस्माइल खत्म नबूवत और इमामत रखना चाहता है अल्लाह मोहम्मद नस्ल इस्माइल भेजना है ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸੀ ਬਹਾਨਾ ਮੇਰਾ ਹੁਸੈਨ ਕਿਆ ਇਸਮਾਇਲ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਰਸੂਲ ਬਚਦੇ ਨੇ ਇਸਮਾਇਲ ਬਚਦੇ ਤੇ ਉਮਰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਕੇ ਕੌਮ ਬਚੇ ਸੀ ਮੇਰਾ ਮੁਹੰਮਦ ਆਲਮ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਆਲਮ ਅੱਲਾਹ ਨਬੀਆਂ ਤੇ ਬਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜੋ ਆਖੀ ਲੱਭੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਨਾ ਹੀ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਕੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਖਰਚਾ ਸੁਣ ਲਓ
पैंती मजलस मजलूने औखा पाओ जी जिम्मे लगवा कितने तक मजमे का अमीर जना मालिक मेरिया बहन की छिटे झूठा सा हुसैन वतन छोड़ने बादशाह कला नहीं मजना बहना ना मालिक ले हुसैन मक्के जाके आज नहीं पढ़ना मालिक वाजिब ना पढ़ना तेरे घर का तमाम हो मत पूछे राम त्रोड़ ना हो दे उमरा पढ़ के राम तुला ना तो ना हो दे राम त्रोड़न का कफारा हो दे इमाम से कफारा नहीं अल्लाह जी मैं उमरा करके टूट वैसे दरिया की मन तू खेमे पड़ते अलहमदुलिल्लाह रोहानी आखिर तीन हर अदादार की आय ली अकबर के मसाए में सुनना चाहता जी मालिक पट ने सा हुसैन दो दरियावां के आपदे 72 घंटे दसा जाना है मैं मुल के सही अल्लाह जिथे भी मंदिर शाजी हाँ शाजी कितना जिथे मुल के मैं सत्ता रखी मेरे हिस्से दिया मैसा जवाना पूरी हुई हुसैन 72 घंटे बांधे दी मनते हाड़ दी गर्मी है दसा रहा है हुसैन आ दिन मालिक वादा होया जेड़ा माशकी है उन्हों पा बांचा करे सा अल्लाह अल्लाह ए बड़ी करबला ए बड़ी करबला शाबाश मालिक हुसैन धी चौंकट मते शामिया की झलका झल के लखा की फौज चुरा बना के उठा घोड़े चु गुजर के उसके प्यो के नेड़े आई चार कदम पिछे क्यों खलो गई उन्हें लब जा क्या इसे दी मजलस मौक गई उन्हें क्या बस इतना दूर खलो गई जिथे तई चाद करता हाथ ना आवेगा भला उन्हें अम्मा हुसैन भी राजी होने मैं जी आखा जी मेरा लाल बाबू जी थोड़ा जी हौसला जी मैं बिस्मिल्लाह करा उसके प्यो से बेटी थी दोबारा सवाल कितने का जवाब लो भाई जान दुआ करना बाबा जी उसके प्यो से बेटी थी ये एक हाथ का फासला ही वो हाथ प्यो दर मंगे आप प्यो जख्मी हो गई वो हाथ दी दे दी कौन सी मालिक मैं सह वैसा बैठ 70 कदम थे अल्लाह जी कुरान चाहिए रखी बाहर ना सी एडी गर्मी में बैठे खड़े पूरे मुल्क का मजमा खुसूसन मेरे मुल्क के अदादार पत्नी कह लगे हाय ना की थी नबियां दे बैन आला में अरवाज वतन आले बुलंद होए जब अल्लाह के कल सजदे ते नहीं मुकदी बैन का बुरका या हुसैन या हुसैन या हुसैन जी आखा बाबा जी लफ्ज बुरका या नबियां हुसैन चुप नहीं होए सिर्फ जे सैयदा दा बुरका देवना ही ना हुसैन मुड़ के देखन लगे जो बुरके आली दी ताई लवा अजा मुड़े नाम ते बहन दी आवाज आई चुप न करे नबी पैवे देनी मदीने ते शाम गरीबां ताई खर्चा तू कर दावी दी दीगर तो शाम जाने कौन जिबा करे दीन ते हुसैन का ऐसा तुम्बा ले जाओ की गर्दन नबी की गर्दन गलत तुम्बा जबाओ नबी पर गैर महसूस तरीके नाल बाबा जी ये सदर समझना दी गैर महसूस तरीके नाल नबी की गर्दन छुरी हटा के
गंजर की छुरी चली खून उड़िया इब्राहिम पट्टी खोली देखिया हैवान सिपा एक पुत्र बैठे दो रकात नमाज पढ़ी हक है मेरा अल्लाह मेरी कुर्बानी मंजूर नहीं अल्लाह के कुर्बानी मंजूर आई मगर तकलीफ उतनी कहना जितनी बर्दाश्त जदा कोई आखे बस मेरी तकलीफ मेरा इम्तिहान खत्म अल्लाह मैं कोई बोलिया मैं तो छुरी रख ली आई फरमाया तू बोल के ना तो नहीं की पर याद कर जदा खाब उठाई तेरी अखी ते पट्टी आई सदके वो जो मन नहीं मालिक कोई नहीं फरमाया फिर तू जिबा होंदा वेख नहीं सकिया देवा पता है ना हो वे सिर्फ है नजीम अजीम जिबा ने मेरा फिदिया बनाया मालिक तू कौन अजीम है फरमाया हुसैन मालिक कितने कुर्बानी दे सी फरमाया कर बना अल्लाह जी मैं देखा फरमाया तू उस जन्नत जन्नत दा मुहर्रम इकराट करी मैं आखन जन्नत छोड़ बस कर बना जल्दी बनी नबी घाटा की मां किथे लिबास ते मिट्टी दे सुट आया इना पुत्र ते लिबास ते बाबा जी मिट्टी लग गई मां दी फेर ते कपड़े ते मिट्टी ने लिबास बदल वास्ते पुत्र दा आया ते गर्दन ते निशान कदम पे कैसा निशान है अब बिस्मिल्लाह पे से एक लफ्ज है अगर मेरा बदन समझे ता जिंदगी दा बाबा जी रोवणे अम्मा बाप खाब उठाए मैं जिबन करन गए ये मैं इतने छुरी रख लिया मैं ये लफ्ज है जिदी मैं कदर करन दी मेहनत की थी अम्मा किसी शरीफ साथ के एहसान कीता है उस अपने को आवण का वादा करके मैंने बचा लिया शाबाश शाबाश शाबरीन मरहबा जो रकम अल्लाह वाह मेरी कौम दा गैरत जवान मैं बिस्मिल्लाह करा उस अपने पुत्र जिबा करावण का वादा करके मैंने बचा लिया इते बावजूद त्रै दिन सात दिन ज्यादा तो ज्यादा छह महीने त्राई रिवायत मिली है मां जख्म दी खातिर मर गई नबी आलम अरवाह जो आलम है सलाम में जाए शाइयां करके नबी टूट गए आखिरी नबी टूटे तो हुसैन का खर्चा छोड़ू नाना टूटे तो मां जख्मी हो गई कूफे बाबर लड़म लग गई मदीने विरा दे जरा से तीर लग गए अठावी रजब यादी के याद रात गरीब तो वतन छोट गया बहन रहे कि हुसैन तुर पे पांच शाबान मक्के आए आठ दिन आज उमरा करके ईरान तू आजाद होते रोंदियां बहन रहे कि दाद के शहर जो हुसैन तुर पे मैं तो आटी आज दी कसम दो मुहर्रम करबला पहुंचे फजर दी मजलस 9 बजे दी शुरू है शाम दे 6:30 हो गए इतने लंबे वक्त इतनी गर्मी जमे कि अगर कोई बंदा हाय नहीं पहन सके अगली सतर से इतनी हाय करे जो नाला दा बंदा गवाह बने चुके जड़ी परदे चाई बैठी है उन हसरत है कोई मेरे अकबर में रोवे मैं दोबारा भी आता भाई जान दो मुहर्रम करबला आए 6 नु दरिया दी मन को खैमे पट्टे 7 नु पानी बंद होया 72 घंटे हुसैन तसे रह गए 10 मुहर्रम आई पहला पार देंदाई ते नेजा झल के अकबर ले पिया आफरी ने भाई मरहबा भाई अजरकुम अल्लाह हक ने बंदा जे मैं होना था की तने अकबर लखे ते हुसैन तुर पे पढ़ दे भी है मसाइब 5 मिनट की ज्यादा दे मुझे ते पढ़ दे मैं इतनी गर्मी है जवान दा इतना मातम भाई जान दी मजलिस है फिर आप मुसलमान सा मारन मकसद नहीं होना बता ना ले हुसैन तुर पे हालत खड़ी है पहले घोड़े कूल हुआ घोड़े ते चढ़े और जी घोड़ा इन तुरता ही जो वे खाना ले समझते हैं सवार की तीन मौके फिर किबरीत अमर फारसी जुबान दी मक्तल दी किताब है उन्होंने लिखा है हुसैन जुलेन जी में बंदा अंधेरे च कब्रिस्तान है टूट गए पता नहीं कितनी दफा चढ़े ते उठे हाल थोड़े बंदे की थी चाना बैठे खलोते ना हाथ अली अकबर दे मसाए बेच थी आवे अलीपुर जट्ठे में बेपड़दा ही अली अकबर यो जून दा महीना या तो 5 साल पहले ते मैं आख्या हुसैन बड़ी दफा चढ़े भी हैं ते उठे भी हैं अल्लाह माली नासिर साहब मेरे बात पढ़ना यूं ना मैं रोक के आख्या कमीज पकड़ के अली रजा ते आके बड़ी दफा चढ़े हुसैन दा हौसला मुक गई आई हुसैन दा सबर मुक गई आई तां चढ़ पौंदे यार मैं आख्या किबला तुसा जद सोना मैं दसिया उस दिन तू अज तई बाबा जी जिथे मैं स्पीकर दसे मजलस पूरी हुई उन्हें आख्या आपे ना ही जनता पुत्र प्यो दरमियान आई शाम ते कूफा दी फौज फौजी वेखण नंग देंदे जो अकबर सुता किथे भी है हुसैन जेंदे कोलू पुछया कहीं मेरा अकबर डिठे कोई नेजा मरेंदा कोई शाबाश 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 आफरीन मरहबा आफरीन मरहबा जो रुकम अल्लाह कोई पत्थर दियो भाई भाई सारे सारे आजादारा आई की जी आखा कोई नेजा बह के भाई बह के
अच्छा पढ़ दे मां अल्लाह तन शिफा दे जमाने जख्मी मां प्यो नसीबों में इंशाल्लाह अल्लाह तन सेहत दे जेरिया बहन जेरिया खुशियां देखे आज पे जिन्हें हाय नहीं की उन्होंने पता नहीं अकबर सोना कहता जरा बंदा हाय नहीं पिए कर सकता जरा सब जी सत्र में ना माकू जवान तेरे उठने की वजह तो पढ़ देना तीसरा अंदाज रियाज उल कुद्स वाले लिखे किदर पर नाओ शिप सर बाजू बाजू रसीद मैं कुरान की कसम इंज भी हुसैन कमजोर हो के नहीं टुरिया पुत्र दे कातला टुरा है अल्लाह बनाइया कर बना हर पास हाय की आवाज हो इलाके की फिजा सोगवार बनाओ पता लगे अली अकबर भी पढ़ी शाबाश आफरीन मरहबा तड़प दे बाबा जी मजमून नहीं पढ़ी सत्तर ना तक मैं शायद थाई बैंड करता मियां की पानी मजलिस तो लैके गेट च खलोते बंदे तक परदे च मावा भेणा बेटियां के सारे जेठ पुत्र हाय नहीं पीनी उस वास्ते हाय पीना हो सकता है पढ़ा अली अकबर परदे च अकबर की रोमन की हसरत लैके अकबर की मां आवे शिया घर जमया बंदा हाय की बगैर टुर जाए हुसैन नचते हुए फौजियों के पैरों के जो तड़पदा होया मिट्टी के पुत्र मिठा घर कोई ना जाए हाथ जोड़ के माफी मंगना पुत्र वास्ते ना दे अगली सत्र सुन औखा राह बना के तड़प दे सर नप के आ नखी खोल प्यो मिलना आ जाई अकबर की अख शाबाश पढ़ा ली अकबर मता जवान बर्दाश्त ना कर बाबू जी तुम सही आजादे सारे इजाजत दो अकबर दी अख खुली बाबे दी ज़ियारत करके आ दिन बाबा घोड़े तू मैं जनिया मिट्टी तुहाडे मुंह ते चुम गया दिन तेरी कसम तू एक बारी जने अल्लाह जाने मैं कितनी बार अल्लाह जाने कितने शामी अकबर ते जुल्म पे करे बयान हुसैन की तकबीर की आवाज सुन के शामी भज गए हजार जख्म लगो जाए शहजादे दे बदन ते उन्हां चो एक जख्म दे आई अली अकबर दा हाथ हौसला पुत्र हौसला मेरा बेटा हौसला मामा मेहनत नसी अकबर जख्म तो ढेर लगे नहीं एक दे हाथ क्यों है बाबा परछी त्रुट गई अकबर हाथ चाह मैं वेखा बाबा सिर्फ वेखनी नहीं काल दिला गए परछी काट गई अकबर तय सिर्फ दो आखे ना अल्लाह जन्नत चू सारे नबी भेज छोड़े और टिप्पे दे दादा इब्राहिम है और सामने मेरा नाना मुहम्मद है नबी आ गए हाथ चाह करे सो है पहली दफा बुढ़े प्यू के सामने जवान पुत्र गए जख्म को हाथ चाया हुसैन की निगाह पई दे बर्दाश्त करो तो परछी नेजे दे पल दियां त्राए नोका अकबर की पसलियां च फसी हुई
बर्थडे से देर बड़ी हो गई, मैं माफी मांग हौसला मेरा बच्चा, हौसला 5 मिनट और पढ़ता त्राए नौका पुछी हुई हाफिज हसनैन मरहूम किबला अलीपुर गलुआ ने सही वाल उन्हें मजलिस पढ़ी तुसा सारे याद हो सी मगरब के बाद दिसंबर का महीना पूरी रात सही वाल बंदा सुता कोई नहीं उन्हें फरमाया ये जड़ी पर्ची आई ना तुसा हाय की सोनी ये जड़ी पर्ची आई ये सामने उन्हें लगी आओ पुत्र जाया ही कोई नहीं जेड़ा हाशमी नु सामने मारे असीन मारी कांडे जाई एडे जोर दी मारी अस फसी आके सीने जाई ठाक हौसला एक पर्ची नहीं पूरा अकबर हल गया अकबर आदन बाबा मैं नहीं पिया हल्दा जमीन है हुसैन आदन मैंने पता है अल्लाह का आर्श पिया कम है हुसैन दूजा हलावा दिता है इब्राहिम आदन मेरा अल्लाह कांड पिया करे ना है मेरा काम नहीं तू जान तेरा हुसैन हूं मजलिस का नतीजा मेरे शाबाश शाबाश आफरीन मरहबा जेड़ा समझ जाए बिस्तर से भी अकबर में रोमना चाहिए आए कर सोचता है इब्राहिम कंड की दिए ना अकबर आदन बाबा नबी मन गए नी बाबा नबी मन गए नी ते मैं मशवरा देना पर्ची फस गई है एक हाथ नाल ना निकल सी दोवा हाथों का जोर ला वो बदन से बह के अकबर में रोवन आले पुत्र सलाह दी है प्यो पुत्र के सीने से जानू रखे है चाहते मजहब मातम वाजबे दोए हाथ पर्ची च पा के बिस्मिल्लाह व बिललाह अला मिल्लत रसूल अल्लाह पर्ची नहीं जिगर ना हुसैन अच्छा अल्लाह का हुक्म अकबर हूं इतने ना रोंदा सबर की एक मंजिल और बताना जिन्होंने हाल में मजीद याद है बाबा जी पहले लिखे ने इस मेरा घर है मेरा वतन है बाबा जी मैंने पता है जमीन ते गोटी ला के हुसैन औखा उठे बड़ी थोड़ी देर बाद कांड तू लहा के हथा से चावना पिया शिया दे एडी गर्मी जमातम की वजह सुनत भाई दसा कभी सुनया ने किसे जनाजा चाया हो जनाजा चावन आले नु कोई मारे जख्मी पुत्र चाह के हुसैन चुरे नतीरा के घर मातम जिंदगी का पता नहीं अली अकबर नू जेड़ा अली अकबर वास्ते हाय न कर सके अल्लाह जाने कह रो शाबाश 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 आफरीन मरहबा हुसैन जुर्देन खून लुड़दा फिर मंदिर छा एक मिनट भी और गल ते एक ना एक मिनट भी करता फिर हुसैन आके अकबर इथे साहब कमर तले हाथ ये जख्म जुर्दर खून पे खून लुड़दा ओदे ऊपर दूजा हाथ पुत्र दी दाड़ी ते मुंह पर चुप ना कदे अकबर अखी बंद ना अकबर मेरे गल च बोली ना अकबर मेरे नाल बुलंदा मैं बहन नाल वादा कर आया मैं जींदा लिया सा वतन लिया बहन दे वादे दना मैं अकबर दाड़ी चुम गया देना अपना अपना मुकद्दर तुसा भी कर आए मैं भी कर तुहाडी सामने खली वे दी मेरी मदीने या हुसैन
या हुसैन राजी रवना मियां जैन लाभ जी मियां जी राजी रवना ने हौसला मेरा पुत्र हौसला मैं तेरे 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 लुटते आंसू की कसम मैं थोड़े बर्दाश्त ना करन की वजह तू मुसफा जी औखिया सत्रह छोड़ के करीब आ गया हाथियां ने अकबर चुप नहीं करनी अकबर मेरे नाल बोल दिया हूं चांद कदम दरवाजा आंदा ही हुसैन नु पुत्र का वजन घटता महसूस होया जे चुप के जिथे तो छोटे छोटे बच्चा ली अकबर के पैर झलने शुरू की पेन जे हुसैन मुंह डिठा जो समझ आवे हो इतने हाथ मारे जे हुसैन मुंह डिठा है तो सार लहदा जवाब दो सैया दादा कदा बहन बहन पकाया जो मेरा बिरा मोया तो मैं रोसा बहनों तो सिर्फ याद आंदा है बिरा तो सेरा बिरा दिया खुशियां पता लगे जो वीर मोने का खा गया आके जान पाई बिरा दे चुम चुम गया दिए एक बार तू अखिया एक बार तू अखिया आतम थोड़ा लग दे घर बहन ललकाई गाल वे इन्हें बहन रोंदी बाबा जी एक बहन आखा दिल सिकदा वीर तू ही सेरा पाया लब दे पासे सोनी जाने चढ़ाया ओंदी सुहरा बहन भी ना अकबर आज तेरे हिस्से की बहन नाल अकबर तेरे सगन मनावे माता में हुसैन हुसैन बह के बाबा जी अमर होवे को वास्ता दिता चली अकबर का पढ़ा चवे